सीपीआईएमएल के लोकसभा सांसद राजा राम सिंह हमारे साथ हैं। सर, आप लोगों ने यानी विपक्ष ने अडानी और संभल के मुद्दे पर चर्चा की मांग की और फिर से एक बार हंगामा देखने को मिला, आप लोग किस तरह की चर्चा चाहते हैं? देखिए, इसके बिना देश में न तो कॉरपोरेट लूट रुकेगी और न ही देश में सामाजिक सौहार्द बनेगा। बीजेपी लगातार इसी रणनीति पर काम कर रही है, कॉरपोरेट लूट को जारी रखना और उस पर कोई बड़ा झगड़ा ना हो, हल्ला नहीं हो, इसके लिए कम्युनल डिवाइड को बरकरार रखना। और संबलपुर इसी का ताज़ा उदाहरण है। अडानी को जो घूस दिया गया वो ताज़ा प्रकरण है, लेकिन दोनों से वो भागना चाहते हैं चर्चा से। हम कहना चाहते हैं कि देश में इन दोनों मुद्दों पर विशेष चर्चा की जरूरत है। और इस मसले पर सर, इंडिया गठबंधन एकजुट है कि जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक सदन की कार्रवाई आप लोग नहीं चलने देंगे? हमारी मीटिंग में ये तय हुआ है, हम इसका डिमांड करेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे, इसी की कोशिश चल रही है। देखिए सरकार कब हम लोगों को जवाब देती है। राजन जी, एक सवाल इसके अलावा, हालांकि आप लोग इंडिया गठबंधन के नए घटक हैं, टीएमसी मांग कर रही है कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान सौंपनी चाहिए। बंगाल में आप लोगों ने भी ममता बनर्जी का समर्थन किया था, इस मांग पर आपकी क्या राय है सीपीआईएमएल की कि ममता बनर्जी इंडिया अलायंस का नेतृत्व करें? इस वर्ष ममता जी ने कुछ अच्छा काम किया बंगाल में और मैंने उनको अभी अभी चुनाव में बढ़त मिली है, लेकिन इससे यह तय नहीं हो जाता है कि देश के अन्य हिस्सों की वही स्थिति हो। और कांग्रेस अभी देश की सबसे बड़ी पार्टी है अपोजिशन की, इस लिहाज से वो नेतृत्व कर रहे हैं देश की सबसे बड़ी पार्टी के नाते और कई राज्यों में उपस्थिति के नाते। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। जयेंद्र कुमार, एबीपी न्यूज, दिल्ली। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम। Thank you.